हालात को इस तरह से चला रही है कि मुल्क मौशी तौर पे भी जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। यानी ये पहली हुकूमत है कि कोई मुल्क जो है वो या तो तरक्की पजीर होता है या वो तरक्की याफ्ता होता है। ये पहला मुल्क है कि जो इस हुकूमत ने चार साल में इसे जवाल पजीर बना दिया है। ये इन्होंने एक बड़ी मेहनत करके जो है इस मुल्क को जवाल पजीर बना दिया कि ये मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। और हालत ये है कि लोगों के लिए, आम आदमी के लिए जो है वो बिजली का बिल देना, अपने बच्चों को रोटी देना, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी अद्वियात के लिए जो है वो लोगों के पास पैसे नहीं हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि जो दवाई जो है वो पहले 500 की थी वो आज 1500-1600 की है। इसी तरह से ज़रूरियातें जो ज़िंदगी हैं, हर चीज़ की कीमत जो है वो 5 से 6 गुना जो है वो बढ़ चुकी है। और बैरून मुल्क या खारजा पॉलिसी का हाल ये है, आप ये देखें कि कितनी बायस शर्म बात है कि अब ये खुद कह रहे हैं, ये 2 दिन पहले वो डब्बू और छीदा टली बैठे थे, दोनों इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी ये न्यूजीलैंड की जो टीम है इसे इंडिया ने काम दिखा दिया है, इंडिया जो है उसने इस टीम को जो है वो वापस भिजवा दिया है। भाई इंडिया अगर आज भी इतना ताकतवर है, वो इतना जुल्म करके, वो कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म करके, वो फिर भी दुनिया में इतना मुतबर है कि दुनिया फिर भी इंडिया की बात मानती है और वो जो है वो हमारे साथ क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है, तो फिर ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है इसकी खारजा पॉलिसी क्या है? तो इस तरह से वो खारजा महाज हो, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, वो जो है वो अदरवाइज गवर्नमेंट परफॉर्मेंस हो, वो महंगाई हो, हर तरफ जो है इस हुकूमत की तरफ से जो है वो ये मुल्क जवाल पजीर है, तबाही की तरफ जा रहा है। और हम समझते हैं कि अगर ये और साल रहेंगे तो जो तबाही ये पिछले 3-3.5 सालों में लाए हैं उस तबाही को जो है वो और ज़्यादा जो है ये गहरा करेंगे। इसलिए चाहिए कि आवाम और सियासी जमातें जो हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है सबको मैदान में आना चाहिए, ताकि जिस तबाही से हम 2-4 हो चुके हैं, वो तो हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद से जो है वो बचा जाए। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? थैंक यू। देखिए बिल्कुल धांधली हुई है। आप मुझे ये बताएं कि कंटोनमेंट के इलेक्शन में जो है वो डेवलपमेंट का काम होता रहा या नहीं होता रहा? आप लाहौर का जो है वो देख लें, बाकी जगहों का भी जो है वो मेरे पास सारा डेटा पड़ा है। यानी डेवलपमेंट के काम, गली का, नाली का, ये इलेक्शन होता ही उस बात का है। तो इन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो अपने कैंडिडेट्स को डेवलपमेंट दी है, उनके काम करवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोगों का जो रुझान है, लोग जितने इनसे तंग हैं, आप यकीन करें कि जब केयर टेकर सेटअप आने के बाद, जो कि आइनी तकाजा है, इलेक्शन शुरू होगा, ये इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकते, ये घरों से नहीं निकल सकेंगे, लोग जूते लेके जो है इनके घरों के बाहर खड़े होंगे और ये कंपेन नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू। तो क्या आपको लगता है कि अगर बलदियाती इलेक्शन ये करवा देंगे तो उसमें आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए डर से नहीं करवा रहे? देखिए बलदियाती इलेक्शन जो है वैसे तो वो गवर्नमेंट चेंज का इलेक्शन नहीं होता, और उसमें पॉलिटिकल जो है वो असरात उस तरह से मुरतब नहीं होते जिस तरह से जो है वो जनरल इलेक्शन में होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने जो महंगाई की है, जो लोगों का जीना मुश्किल किया है, उसके असरात ज़रूर होंगे और इनके लिए इलेक्शन जीतना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि नज़र ये आ रहा है कि आप ये बलदियाती इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएंगे। देखिए जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो हमारे पार्टी के सीनियर रुकन हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन जो है वो मुझ समेत हर किसी पे लागू होता है। उन्होंने जो बात की है वो बात मुनासिब नहीं थी, तो उसके ऊपर पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि उन्हें इस बात का पूछा जाए कि उन्होंने ये बात किस सियाक़ो सबाक में की है।
तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने 7 दिन में अपना जवाब जमा करवाना था, वो उन्होंने जमा करवा दिया होगा। और जब वो पार्टी के प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी जनरल साहब को मुतमिन कर देंगे, तो उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है कि वो मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।